नमस्कार दोस्तों, 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन लगाए जाने का प्लान रखा गया था, पर कई राज्यों में वैक्सीन नहीं लगाए जा रहे हैं। क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं, किन किन राज्यों में वैक्सीन नहीं लगाए जा रहे हैं और कब लगाए जाएंगे, इन सभी बातों को अपने इस वीडियो में कवर करूंगा। इसके साथ ही दोस्तों, अब अगर आप वैक्सीन लगाने जा रहे हैं तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको दोस्तों क्या क्या करना चाहिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या प्रॉब्लम आ रही है और सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इन सभी बातों को मैं अपने इस वीडियो में कवर करूंगा। और इसके साथ ही दोस्तों, इससे रिलेटेड सभी अपडेट को भी कवर करूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको मेरा यह वीडियो नॉलेजेबल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता था कि 1 मई से वैक्सीन लगाया जाना था और कई राज्यों में वैक्सीन लगाए भी जा रहे हैं, पर ऐसे कई राज्य भी है जहां पे वैक्सीन नहीं लगाए जा रहे हैं। ऐसे टोटल 15 राज्य हैं जहां पे वैक्सीन नहीं लगाए जा रहे हैं। पहले नंबर पे दिल्ली, जहाँ के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने बताते हैं कि अभी तक उन्हें वैक्सीन का डोजेस प्राप्त नहीं हुआ है, और 18 से 44 वर्ष के लोगों को 3 मई से वैक्सीन लगाया जाएगा और यह अभियान सिर्फ 3 महीने के लिए चलाया जाएगा। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे अपने एक बयान में बताते हैं कि 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगाए जाएंगे और ना ही इसका कोई डेट निर्धारित किया गया है, लेकिन जब भी लगाए जाएंगे अगले 6 महीने तक वैक्सीन लगाए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र में कोविड-19 के केस काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए दोस्तों 18 वर्ष से 25 वर्ष, 25 वर्ष से 35 वर्ष और 35 वर्ष से 45 वर्ष के उम्र के बीच के लोगों को वैक्सीन लगाए जाने का प्लान बनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने अपने एक बयान में बताया कि 18 वर्ष से 45 वर्ष के उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए सितंबर तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी वह श्योर नहीं है कि वैक्सीन लगेगा ही, यह डेट आगे भी बढ़ सकती है। शायद अगले साल यानी जनवरी के लास्ट तक वो वैक्सीन लगाना स्टार्ट करेंगे। और उसके पीछे उन्होंने रीजन बताया कि हमारे यहाँ हर महीने 7 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन किया जाता है और हमारे यहाँ 18 से 45 वर्ष के उम्र के लोगों की संख्या लगभग 60 करोड़ है। इसके हिसाब से उन्हें 120 करोड़ वैक्सीन की जरूरत होगी। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि वैक्सीन का 2 डोजेस कंपलसरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने अपने एक बयान में बताया कि 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगाया जाएगा। इसके पीछे उन्होंने रीजन बताया कि 25 लाख कोविशील्ड और 25 लाख कोवैक्सीन का ऑर्डर किया गया था, पर कंपनियों ने अभी तक उस ऑर्डर का आपूर्ति नहीं कर पाया है। और वहीं दोस्तों दोनों कंपनियों ने बताया कि 12 करोड़ वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑर्डर किए गए हैं, और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि 15 मई तक झारखंड को वैक्सीन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने कुछ झारखंड की तरह रीजन बताए और अपने बयान में बताया कि 18 से 45 वर्ष के उम्र के लोगों को 15 मई से वैक्सीन लगाए जाएंगे। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा द्वारा अपने बयान में बताया गया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए 15 मई तक वेट करना पड़ेगा, 15 मई के बाद ही उन्हें वैक्सीन लगाया जाएगा। इसके पीछे उन्होंने रीजन बताया कि वहां 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या लगभग 3.25 करोड़ है, जिसके लिए 7 करोड़ वैक्सीन की जरूरत होगी। वहीं पंजाब के मिनिस्टर बलवीर सिंह ने बताया अपने बयान में कि उन्हें वैक्सीन लगाने में देरी हो सकती है, पर उन्होंने अभी तक कोई फिक्स डेट नहीं बताया है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने अपने एक बयान में बताया कि अभी तक वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हो पाई है, इसके वजह से 3 मई तक वैक्सीन लगाए जाने का उम्मीद रखा गया है और यह डेट आगे भी बढ़ सकती है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी अभी आपूर्ति नहीं हो पाई है और वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर द्वारा भी कोई फिक्स डेट नहीं बताया गया है। जम्मू और कश्मीर में भी 1 मई से वैक्सीन नहीं लगाया जाएगा और अनुमान लगाया गया है कि 20 मई से वैक्सीन लगाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में वैक्सीन लगाने की डेट को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत द्वारा अपने एक बयान में बताया गया कि केवल सिर्फ 18 वर्ष से 45 वर्ष के उम्र के लोगों को ही वैक्सीन लगाया जाएगा, पर उनके द्वारा भी कोई फिक्स डेट नहीं दिया गया है। दोस्तों अब आपको वैक्सीन लगवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो गया है। यह रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल 2021 से शाम 4 बजे से 18 से 44 वर्ष के उम्र के लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पर दोस्तों यह वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद एक इशू आ रहा है। रजिस्ट्रेशन तो आराम से हो जा रहा है, पर वैक्सीन लगाने का जो अपॉइंटमेंट होता है वह फिलहाल फिक्स नहीं हो पा रहा है। दोस्तों आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया हूँ, आप वहां जाकर आप अपना नंबर डालें और वहां से आप अपने फैमिली के 4 मेंबर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी।
रजिस्ट्रेशन करवाने के पीछे सरकार यह देखना चाहती है कि भारत में कितने लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटे के अंदर 1,23,00,000 लोगों ने रजिस्टर किया था। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका है कि फिलहाल अभी अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं हो पा रहा है, लेकिन बाद में आप अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर पाएंगे। जिस टाइम पे मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, कोविड-19 केसेस के मामले में भारत ग्लोबल रिकॉर्ड बना दिया है। 24 घंटे के अंदर 4,00,000 केसेस और 3,500 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत में 149 मिलियन लोगों को वैक्सीन लगाया गया है, जिसमें से सिर्फ 2% लोगों को फुली वैक्सीनेटेड किया गया है, यानी वैक्सीन का 2 डोजेस दिए जा चुके हैं। भारत में इतने सारे कोविड-19 केस होने के बाद हर जगह लॉकडाउन लगे जा रहे हैं और लॉकडाउन की डेट भी बढ़ती जा रही है। पर जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां ना किसी तरह का लॉकडाउन है, लॉकडाउन तो छोड़िए, ना वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही मास्क है। सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस महामारी के वक्त लोगों की जान बचाइए। लास्ट में दोस्तों, आप खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन को जरूर लगवाएं, अफवाह पर ध्यान न दें। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। आपको मेरा काम अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब फिर मिलते हैं दोस्तों अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।